सांसद वीना देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बड़े बेटी छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जहां इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिस पिकअप से सांसद के बेटे की जान गई उसे पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही चालक मोहम्मद हाशिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि 23 सितंबर की शाम जैतपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में वैशाली सांसद वीना देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज की मौत हो गई। इस घटना को लेकर विधान पार्षद दिनेश सिंह ने जैतपुर थाने में आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई। वह इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के द्वारा सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जहां क्षेत्र के अलग अलग जगहों से करीब 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में पता चला कि पिकअप गाड़ी से ठोकर लगी। वहीं विशेष जांच के बाद पानापुर करियात इलाके से पिकअप तथा हिचड़ा गांव से चालक मोहम्मद हाशिम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पिकअप चालक ने बताया कि वो टेंट का सामान लेकर जा रहे थे, तभी पिकअप और एक बुलेट में टक्कर हो गई। 23 तारीख को जैतपुर थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल राज उर्फ छोटू सिंह है, सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस आलोक में प्राथमिकी भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई, जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पर हत्या के अंतर्गत जो हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी, जिसमें सदर एसडीपीओ भी थे। इसके अलावा हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है वो भी थी। एसडीपीओ सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों का अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुँची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुँचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन में एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिचड़ा एक जगह है पानापुर करियात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकृति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी, उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएँ तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पे उतरे, उतरने के बाद में इसने वहाँ पे देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई, ये घबरा के वहाँ से भाग गया और ये भागने के दौरान में जो टोल प्लाजा पड़ता था उसको ना क्रॉस करके ये जो अंदरूनी सड़क है गाँव की ओर जाती है वहाँ ही गए। ये एक टेंट हाउस का बिजनेस भी करते हैं और सरैया के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जहाँ पर इनको टेंट हाउस का सामान लेके जाना था और वो सामान लेके जा रहे थे। इनके अभी तक का हम लोग ने जो भी इनके मोबाइल के डिटेल्स हैं या जो भी और तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया है। अभी तक की जांच में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फर्दर और काम कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो भी आगे आएगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। प्री प्लानिंग का क्या पता है? अभी तक की जाँच में तो ऐसा हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी तक की जाँच में हम लोगों को दुर्घटना का ही मामला लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के जांच के और अनुसंधान के भी काफ़ी आयाम बचे हुए हैं, क्योंकि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग अभी रात्रि में पूछताछ भी करेंगे और आवश्यक होगा तो रिमांड पे लेके और फर्दर पूछताछ करेंगे और कुछ डिटेल्स हम लोगों के सामने जैसे आते हैं उस दिशा में हम लोग अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। बट अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला। राहुल सर मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहे थे? हाँ, वो अपने घर से चले थे फारू से और यहाँ मुजफ्फरपुर। तो ये आमने सामने टक्कर हुई है? हाँ, सामने से। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।